कई ऐसे होते हैं जो एक तरफा प्यार होता है जिनका, ठीक है, एक तरफा मतलब लड़की देखी है उससे प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो भाई साहब वो लड़की को पता नहीं है, लड़की को कुछ पता नहीं, लड़की को लेना देना भी नहीं है, भाई साहब उसको स्कूल से उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसके घर तक छोड़ के आएंगे, लड़की को पता भी नहीं, उसके पीछे पीछे, और लड़की देख भी नहीं रही, लड़की को इंटरेस्ट ही नहीं है, टाइम कितना खराब करता है, स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहेंगे, जब वो लड़की निकलेगी तो उसके पीछे पीछे जाएंगे, साइकिल पे जा रही है तो साइकिल पे चलते चलते जाएंगे, घर तक उसको छोड़ के आएंगे नहीं, फिर अपने घर आएंगे, शाम को जब वो गेट से बाहर निकलेगी तो कब निकलेगी और उसका टाइमिंग क्या है बाहर निकलने का, उसके लिए अपना टाइम खराब कर रहे होंगे, वो कब बाहर आती है, कब है, नहीं है। तो ऐसे प्यार में उतावलापन और पागलपन भी सही नहीं है ना, जिसमें आप अपना समय बर्बाद करो और उसमें आप पढ़ लेते हैं ना, और पढ़ लिख जाओगे तो ये सब चीजें तो बड़ी कॉमन है, बाद में भी हो जाएंगी, तो अपना पढ़ाई क्यों खराब करना है। तो आज अपन बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव इंपैक्ट क्या है और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, सही बताना। और अच्छा, किन किन लड़कियों ने ऐसा देखा कि लड़कों को ऐसे करते देखा है जो स्कूल से ही पीछा करना शुरू करते हैं, घर तक छोड़ने आते हैं, है ना, और कई लोग, कई तो बहुत ही डेढ़ चाड़े होते हैं, जैसे जा रही है रस्ते में और बीच रस्ते में ए चॉकलेट लाया हूँ तेरे लिए नहीं चॉकलेट लाया हूँ तेरे लिए नहीं, उसको किताबों की जरूरत है तो तुम किताबें दे रहे हो, अच्छा तूने होमवर्क नहीं किया ना, ले मेरा कॉपी ले, होमवर्क कर ले, तेरा होमवर्क करना है मैं कर दूंगा नहीं।